हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस सिलसिले में होने वाली है। जी हाँ, वीडियो बचत के सिलसिले में होने वाली है, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी टाइम से आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो बचत प्रेमियों के लिए एक बचत वीडियो जो है बना दी जाए। और हर बचत और बजट वीडियो में आप लोगों से मैं बोलती हूँ कि छोटी छोटी बचत ही जो है ना बड़ी बचत बनती है आगे जाके, और बूंद बूंद करके ही जो है ना वो घड़ा भरता है। तो आज की इस वीडियो में हम बूंद बूंद करके ही घड़े को भरेंगे। तो इस वीडियो में हम बचत की शुरुआत जो है सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए से करेंगे, और 1 रुपए से की गई शुरुआत देखना आपकी बड़ी बचत जो है वो बनेगी। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको क्या क्या चाहिए इस चीज़ के लिए, है ना। बचत करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो बचत करने के लिए हमें चाहिए ऐसी गुल्लक। ऐसी गुल्लक ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे भी ऐसा कोई पाउडर का डब्बा रखा हो या कुछ रखा हो तो उसको गरम चाकू कीजिए और ऐसे कट करके उसकी गुल्लक बना लीजिए। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को एक गुल्लक बनानी बताई थी पाउडर के डब्बों से, उसको मैंने कलर वलर करके एक सुंदर सी गुल्लक जो है बना दी थी, और कट भी मैंने कुछ इस तरीके से बड़ा सा किया था ताकि उसमें नोट भी जो है डल जाए, है ना। और आप चाहें तो बचत कर सकते हैं ऐसे किसी पर्स में या फिर किसी ऐसे एनवलप में, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसी टाइप का कुछ डब्बा लें, बंद डब्बा लें, ताकि आप पैसे जो है निकाल ना पाए। ऐसे पर्स और ऐसे किसी एनवलप में रखने से क्या होगा ना कि ये खुले होते हैं, इसकी चेन खोल के हम पैसे निकाल लेंगे या फिर इसको खोल के चाहे टेप लगाएंगे चाहे कुछ भी करेंगे तो पैसे जो है हम निकाल सकते हैं। कभी छुट्टी की जरूरत हुई, कभी कुछ हुआ तो हम क्या करते हैं, हाथ डाल के हमारे पैसे निकल ही जाते हैं। तो इसीलिए सजेस्ट करूंगी या तो ऐसी गुल्लक अगर आपके घर में रखी हो, या फिर नहीं भी है तो बाहर से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस तरीके के पाउडर के डब्बे से गुल्लक बना सकते हैं। और ये मैंने काफी टाइम पहले बनाया था इसलिए पुराना सा लग रहा है, और वो वाले मेरे अभी दिवाली की सफाई में इधर उधर हो गए जो गुल्लक मैंने बनाई थी ना। तो अब क्या करना है कि नया मंथ लगने वाला है, तो नए मंथ की 1 तारीख से जो है हमें बचत की शुरुआत जो है वो करनी है। अब छोटी छोटी बचत को हम बड़ा बनाएंगे, ठीक है। अब मार्च लगने वाला, 1 तारीख आने वाली है, तो आपको क्या करना है कि 1 तारीख को आपको ऐसी गुल्लक में 1 रुपया डालना है, ठीक है। 2 तारीख को 2 रुपये डालने, 3 तारीख को 3 रुपये डालने, 4 तारीख को 4, 5 को 5, 6 तारीख को 6, 7 को 7, 8 को 8 रुपये डालने, 9 तारीख को 9 रुपये डालने, 10 तारीख को 10 रुपये डालने। इस तरीके से जितनी जो तारीख 11 है तो 11 रुपये डालने, 12 है तो 12 डालने। इस तरीके से अगर जब 30 तारीख आएगी, महीने का एंड आएगा, तो उसको 30 रुपये डालने। अब क्या होता है कि कुछ महीने जो होते हैं 30 तारीख के होते हैं और कुछ महीने जो होते हैं 31 तारीख के होते हैं। तो जो महीना 31 का हो तो उस एक दिन को छोड़ना नहीं है, उस दिन भी आपको 31 रुपये जो है अपनी गुल्लक में डाल देने, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एक महीने में कितने पैसे बचेंगे, 1 तारीख को 1, 2 को 2, 3 को 3, ऐसे करते करते डालने से। अगर महीना 30 का है तो आपके पास बचेंगे 465 के करीब, मैंने लिखा हुआ है। और अगर महीना 31 तारीख का है तो आपके पास पूरा महीने में बचेंगे पैसे 496, यानी कि 496। अब इसे आप छोटी बचत मत समझना, मैंने कहा ना छोटी छोटी बचत ही जो है वो आगे चल के बड़ी बचत बनती है, और हमारे हम बचत करने के आदी हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी बचत की आदत हो जाती है, तो हम और पैसे भी जो है बचा सकते हैं, ठीक है। अब महीने के अगर 30 का महीना हुआ तो 465, 31 का महीना हुआ तो 496 रुपये जो है आपके एक महीने में बचेंगे। तो इस तरीके से आप इस तरीके से 1 साल लगातार बचत करेंगे तो 465 या 496 रुपये ऐसे करते करते बचेंगे, क्योंकि कभी 30 का महीना होगा कभी 31 का होगा, तो उसको 12 महीने बचाएंगे तो साल भर में आपके कितने पैसे बचते हैं, 5738 रुपये जो है आपके 1 साल में आप बचा लेते। छोटी छोटी बचत करके 1 रुपये से शुरुआत करके आप 1 साल में 5738 रुपये जो है वो बचा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए छोटी छोटी बचत करके आपके कितने पैसे बच गए, है ना। अब क्या करना है कि अगर आपको इस बचत को दुगना या
चौगना करना है, माना आपको दुगना या चौगना करना है, तो आप क्या करेंगे कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, जैसे कि आप दो हस्बैंड वाइफ हुए और आपके कोई दो बच्चे होते हैं, माना हम चार सदस्य मानते हैं, तो आप उन चार सदस्यों के नाम के इसी तरीके से पैसे बचाएंगे। आपको चार सदस्यों के नाम की ऐसी गुल्लक बनानी होगी, ठीक है, और हर दिन एक तारीख को आप चारों की गुल्लक में 1 रुपया डलेगा, 2 तारीख को आप चारों की गुल्लक में 2 रुपया डलेगा, 3 तारीख को चारों की गुल्लक में 3 रुपया डलेगा। इस तरीके से 465 एक सदस्य के, 465 एक सदस्य के, और 465 एक सदस्य के बच बच के 1 महीने में मे भी आपके जो आप काउंट करना, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो है लगा दूँ, 1800 समथिंग कुछ पैसे जो है वो बचेंगे आपके, ठीक है, चार सदस्यों के। अब इसी बचत को आप साल भर चारों सदस्यों के नाम से चलाएंगे तो आपके जो है समथिंग 22,952 रुपये जो है बचेंगे। कैसे? क्योंकि देखो, कोई महीना 30 का होता है, कोई महीना 31 का होता है, फरवरी 28 या कभी कभी 4 साल में 29 की होती है। तो इस तरीके से अगर आप एक सदस्य के नाम का करेंगे तो 5,738 रुपए आपके साल में बचत होगी और महीने में 465 या 496 होगी, ठीक है। और अगर चार सदस्य की करेंगे तो महीने में आपके 1800 समथिंग और भी होंगे, मैं पूरा एग्जैक्ट लिख दूंगी यहाँ पे स्क्रीन पे, तो महीने के तो 1800 समथिंग बनेंगे चार सदस्यों के, ठीक है, और साल के जो है आपके बचेंगे 22,952। अब इस बचत को आप कम मत समझना, क्योंकि देखिए किसी किसी की तो तनख्वाह ही 10,000 ही होती है, 8,000 ही होती है, 15,000 ही होती है, 20,000 ही होती है, और आप जो है चार सदस्यों के नाम के 22,000 के करीब, 23,000 के करीब पैसे बचा रहे होंगे। 22,952 बचेंगे साल भर के आपके पैसे। तो इस तरीके से आप 1 रुपये से बचत की शुरुआत करके बड़ी रकम जो है वो बना सकते हैं साल भर में। तो इसे एक चैलेंज के जैसे ही मानिए, ठीक है। तो अभी आने वाले मार्च में 1 तारीख से आपको गुल्लक में 1 रुपया डालना है, 2 तारीख को 2 डालना है, 3 तारीख को 3 डालना है, 4 को 4 डालना है, ऐसे करते करते जितने भी आपके ज़्यादा बचत करने, आपका हाथ थोड़ा खुला है आप, तो आप ज़्यादा बचत कर सकते हैं, ठीक है। चार सदस्य हैं, माना 6 सदस्य हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से बचत जो है वो कर सकते हैं। तो साल भर इस बचत को चलाना है, फिर आप इसके आदी हो जाएंगे कि हर महीने आपके इतने पैसे बचने ही लगेंगे। तो इस पैसे का आगे और क्या करना है वो आगे की वीडियो में बताऊंगी, वरना वीडियो जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी बचत जो है वो कर सकते हैं, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया ऐसा कुछ भी नहीं है, महीने के 500 भी ऐसे बहुत हार्ड नहीं है, इतना टफ नहीं है बचाना। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी बचत जो है कर सकते हैं और छोटी छोटी बचत को बड़ी बना सकते हैं। अब इस रकम को और बड़ी कैसे बनाया जाए तो आगे किसी वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बताना जरूर, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।